नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं देश की संसद से कुछ सौ मीटर की दूरी पर, जंतर मंतर पर, जहां देश के अलग अलग राज्यों से शिक्षक आए हैं और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में जो खामियां हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ साथ उनके सर्विस कंडीशन में जो बदलाव हुए उनको लेकर विरोध जताने के लिए पहुंचे हैं। तो उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे सरकार से वो क्या चाहते हैं और भविष्य में अगर सरकार इनकी मांग नहीं मानती है तो इनका आंदोलन का रास्ता क्या होगा। कोरोना का जो आपदा था उसको अवसर बनाकर जिस तरह से सरकार ने तमाम नीतिगत बदलाव किए और NEP 2020 बिना संसद में बहस के इसको लागू किया जा रहा है, इसी के खिलाफ ये शिक्षक समुदाय फिर से उभरकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयारी कर रहा है। आज अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के नेतृत्व में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पूरे देश भर के शिक्षक जंतर मंतर पर इस सरकार की कुंभकर्णी निद्रा को खत्म करने के लिए हम लोग आए हैं। NEP पूरे विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज के शिक्षा को खत्म करने का एक अभियान है। सरकार ऐसी नीति बनाई है कि भविष्य में न शिक्षक बचेंगे और न कैंपस बचेगा। सरकार चाहती है कैंपस विहीन शिक्षा हो और शिक्षक विहीन कैंपस हो, और इसीलिए परमानेंट बहाली नहीं कर रही है और कैंपस को निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर रही है। जैसा आज से लगभग 200 साल पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि अब ये सुधार के लायक व्यवस्था नहीं रही है, अब इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए, और वो क्रांतिकारी परिवर्तन सामाजिक समस्याओं के साथ समाज के लोग खड़े होकर इसके लिए लड़ेंगे तभी वो परिवर्तन आ पाएगा। अकेले सरकारों के करने से या हमारी मांग कर देने से ये नहीं होगा, हमें सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का, उसको वापस लाने का, न्यू पेंशन स्कीम जिसको नो पेंशन स्कीम मानती है उसके उसको हटाने का, साथ ही हजारों की संख्या में जो शिक्षक एडहॉक हैं, कॉन्ट्रैक्ट में है, उन सब के परमानेंट करने की, ये जो मुख्य मांगे हैं, जो शिक्षा विरोधी, शिक्षक विरोधी, निजीकरण, सांप्रदायिकरण, इन सबको NEP के नाम पर लागू किया जा रहा है, उसी के खिलाफ आज शिक्षक जो है सड़क पर उतरा है। नई जनरेशन की जो टीचर्स आ रहे हैं उन टीचर्स में जो न्यू एजुकेशन न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है जिसमें कि पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है, 2005 के बाद जो शिक्षिकाएं नियुक्त हुई हैं उनकी जो पेंशन को समाप्त कर दिया गया है, वो हमारी आज की जो न्यू टीचर्स इसको ज्वाइन किया है उनके सामने ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं क्या हैं, आप अगर ध्यान से देखिए तो एक के बाद एक जो नीतिगत ये लाया जा रहा है, चाहे वो ABC हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, या दूसरी तरफ जो BOG मॉडल लाया जा रहा है जो NEP का हिस्सा है वो हो, या आप देखें कि जो FYUP को फिर से लागू करना, ये सारे जो योजनाएं हैं इसका एक ही मकसद है, स्वयं कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन को के डुअल मोड को जिसको नाम दिया जा रहा है ब्लेंडेड मोड, ये सारे तरीके एक ही दिशा में जा रहे हैं कि एक तरफ आप दिखा सके कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ रहा है लेकिन शिक्षा नहीं बढ़ रही है। शिक्षा को ख़त्म करके एक दिखावे का कि हमारे इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है ऑनलाइन पर जोर देना, ताकि शिक्षा के बजट को न्यूनतम करके मार्केट के हवाले कर देना, ये नीति चल रही है। इंडिपेंडेंस के 65-70 साल बाद बहुत जगह पर रोड है, बहुत जगह बहुत कुछ आसानी से हो सकता है। अगर उन बच्चों के लिए आपको ऑनलाइन रखना है तो उनको ऑनलाइन क्यों रखते हैं? आप उन बच्चों को फैसिलिटी दे दे कि उनमें से जो भी कुछ अच्छे बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री करा दो, हायर एजुकेशन करा दो, फ्री करा दो, उसकी एजुकेशन की फीस कम करा दो, लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन होना चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होना चाहिए। जो आरक्षण का प्रावधान है संवैधानिक रूप से, उस आरक्षण के प्रावधान को ख़त्म किया जा रहा है। कंपटीशन के नाम पर, मेरिट के नाम पर जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, जो रिमोट एरिया के लोग हैं, उनको आगे बढ़ने से सरकार रोक रही है। जैसे ये सरकार किसानों के लिए 3 बिल लेके आई थी और पूरे देश के किसानों को वो एक्सेप्ट नहीं किए थे और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। नियम तब लाए जाते हैं
जब जो नियम लाया गया है उससे आच्छादित जो वर्ग है वो अगर मांग करता है उसके लिए लाभकारी होता है तभी वो लाए जाते हैं। इसी तरह से आज देश की केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति के नाम पर जो पूरे देश की शिक्षा को खिलवाड़ करने का काम किया है, नष्ट करने का काम किया है, एआई फुट्टो अपने इस धरने के माध्यम से ये मांग करता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुरंत ये सरकार वापस ले। अगर आपने देखा होगा अशोका यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर जो अभी सामने पब्लिक में आया है, एक एक साल में 10-10 लाख रुपए फीस लिए जा रहे हैं। तो एक तरफ है 10 लाख देकर कौन जो है स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ेगा, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी अभी जो आप देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, CUET को लागू किया जा रहा है। CUET का मतलब क्या है? मतलब है कि स्कूल सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, यानी एजुकेशन को ख़त्म कर दो और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कुछ एक हैं जो चमकते हुए सितारे की तरह हों, अशोका यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी जैसे और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जो एक बेहतरीन पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस थे, JNU जैसे पब्लिक, या किसी भी शहर के आप चले जाइए इलाके में जो कॉलेज था, जो इस यूनिवर्सिटी थी, वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को आज एबोलिश किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह उसको प्राइवेट के हवाले किया जा रहा है। क्लस्टर ऑफ स्कूल बनाने की बात है कि 15-20 स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल बनाया जाए, बाकी कैंपसों को बाजार के हवाले कर दिया जाए, कॉलेज को विश्वविद्यालय से अलग करने की बात है और सर को सब कॉलेज अलग अलग संस्था होगी, उसको विश्वविद्यालय से कोई मतलब नहीं होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसको चलाएंगे और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सरकार नियुक्त करेगी, प्राइवेट पार्टी नियुक्त करेगी। इसका मतलब एक तरह से प्राइवेट के हाथ में पूरी व्यवस्था को सौंप देना है। सरकार जो सुधार लेकर आई है आप उसे शिक्षा हितैषी या कर्मचारी हितैषी तो बिल्कुल ना कहिए और कहे भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया 2005 से, उन्होंने टीचर्स के परमानेंट भर्ती है ना इसमें NEP 2020 में देखिए, उन्होंने ये कह दिया है खुलेआम कि टीचर्स की भर्ती जो होगी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के द्वारा होगी, पहले तो उनकी ट्रेनिंग ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसके बाद 2 साल के प्रोबेशन में उनको परमानेंट करने का प्रोसेस इतना हार्ड कर दिया गया है। और दूसरी तरफ हमारी जो खाली पड़े हुए पोस्ट हैं 12 लाख के करीब स्कूलों में, उनको भरने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है, केवल ठेके के कर्मचारी, ठेके के NGO से टीचर्स को लेकर 10-10, 5-5 हज़ार में वहाँ पर अपॉइंट करेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे भारत के भविष्य के निर्माण के लिए बच्चों को ठीक पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएंगे वो, जिनको कल की पता नहीं है कि कल उनकी नौकरी चली जाएगी या रह जाएगी, उनकी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, उनके कोई वेतनमान सम्मानजनक नहीं है, उनको कोई छुट्टी या और दूसरी सुविधाएं नहीं है, उनकी पेंशन नहीं है, तो कैसे कोई काम करेगा। टीचर्स के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो है कि टीचर्स की पूरी इंडिया में बहुत सारी वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी है, तो जो टीचर स्टूडेंट रेशो होना चाहिए वो बिल्कुल उसकी तरफ सरकार का, शासन का, किसी का भी ध्यान नहीं है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, एक टीचर के पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। और जो हमारे नए टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है, जिन लोगों को कि नई पेंशन योजना भी लागू कर दी गई है, वो भी उनके लिए एक मतलब ख़राब बात है, जो कि पुरानी पेंशन योजना उन लोगों को होनी चाहिए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आधे से ज़्यादा शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, एडहॉक हैं, उनकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं है, लंबे अब गेस्ट फैकल्टी लाया जा रहा है और भारत के अन्य हिस्सों में तो वो गेस्ट का जो और कॉन्ट्रैक्ट है उनकी सैलरी भी न्यूनतम है, उसकी जगह पर अब ऑनलाइन को फोकस किया जा रहा है। ऑनलाइन का मतलब है कि शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है। बजट को धीरे धीरे घटाया जा रहा है और 2030 के बाद विश्वविद्यालय के बजट को शून्य करने की योजना है और इसको, इस कैंपस को कॉरपोरेट के हाथ बेच के बजट जुटाने की बात है, एलुमिनी के द्वारा, प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा और रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा फंड जुटाने की बात है। आप जानते हैं कि जो लोग फंड देते हैं वो मुनाफाखोरी के लिए देते हैं, अपने लाभ के लिए देते हैं। अगर रिलीजियस ट्रस्ट अगर कोई फंड देगा, कोई विश्वविद्यालय और कॉलेज चलाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा कॉलेज और विश्वविद्यालयों। यहाँ पर पूरे देश के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल के शिक्षा का जो निजीकरण सरकार ने किया है, कभी आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में शिक्षा को कभी ओपन नहीं किया था, कभी फ्री नहीं छोड़ा था। अब ये मोदी सरकार ने जब से 2014 के बाद
पूरे देश देश की शिक्षा को चौपट कर दिया है। जब चिकित्सा और शिक्षा दोनों को फ्री छोड़ देंगे, गरीब के हाथ से चिकित्सा भी चली गई, गरीब के हाथ से शिक्षा भी चली गई, तो शिक्षा का पूर्ण रूपेण बाजारीकरण कर दिया गया है। ये नई शिक्षा की नीति को लेकर ये हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें जो रिसोर्सेज की कमी है, टीचर्स की कमी है, और एक एक टीचर के ऊपर अनेक अनेक काम हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, उन सब में शिक्षण कार्य को करना और अपनी वृद्धावस्था में अपने जीवन यापन करने की जो एक ये छीन लिया गया है अधिकार, ये महिला शिक्षिकाओं और नहीं केवल महिला शिक्षकों पर ही नहीं बल्कि समस्त शिक्षकों के सामने एक भारी चुनौती है। एक तरफ सर्विस कंडीशन खत्म किए जा रहे हैं शिक्षकों के, जितने भी यूजीसी जो रेगुलेशन बनाती थी, सेवा शर्त बनाती थी, आज उसी को एबॉलिश करने की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर चाहे सेवा शर्त का सवाल हो चाहे शिक्षा का सवाल हो, दोनों पर ही एनईपी में हमला है। और यही कारण है कि शिक्षक, छात्र, कर्मचारी और आम जनता से हम अपील कर रहे हैं कि शिक्षा को बचाने की जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ही 4000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जो 20-20 साल से एडहॉक पर काम कर रहे हैं। उनका निश्चित सर्विस कंडीशन नहीं है, हर साल उनका रीअपॉइंटमेंट होता है, उन पर हमेशा खतरे मंडराते रहते हैं। एक कानून बना के उनको परमानेंट करना चाहिए, उनको यूजीसी का सारा क्राइटेरिया वो पूरा करते। और ऐसे देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, एडहॉक टीचर्स काम कर रहे हैं, ब्लॉक ग्राउंड टीचर्स काम कर रहे हैं, संबल योजना के अंतर्गत, विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान में काम कर रहे हैं कि 6 महीना काम करते हैं, 3 महीना घर बैठते हैं, 6 महीना काम करते हैं, 10,000-15,000 उनको। हम डिमांड करते हैं कि अगर विश्वविद्यालयों को चलाना है तो एक डिग्निफाइड जो वेतनमान चाहिए, एक डिग्निफाइड सर्विस कंडीशन शिक्षक को चाहिए, उनके सर्विस की सुरक्षा चाहिए, तभी कोई अच्छी शिक्षा दे सकता है। हिस्ट्री को ये भगवा रंग में रंगने जा रहे हैं और इतिहास जो मध्यकालीन इतिहास है उसे बर्बाद कर रहे हैं एनईपी के माध्यम से। हम वो सब नहीं होने देंगे और समाज को एकजुट रखना, समाज को नए विचारों से अवगत कराना, समाज को आगे बढ़ाना हमारा ये शिक्षकों का दायित्व बनता है। शिक्षक दिवस आ रहा है 5 तारीख को, हम सब राज्यों में धरना देंगे, सब राज्यों में मेमोरेंडम देंगे चांसलर को, और चांसलर के थ्रू राष्ट्रपति को मेमोरेंडम भेजा जाएगा। और आफ्टर टीचर्स डे हम लोग राष्ट्रपति से टाइम ले रहे हैं और राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि आप सरकार को कहिए कि शिक्षकों के साथ, छात्रों के साथ, कर्मचारियों के साथ और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एनईपी पर डिस्कशन हो और इस पर रिथिंक किया जाए और जो अच्छी बातें, कुछ अच्छी बातें हैं उसको रखा जाए, लेकिन जितनी निगेटिव बातें हैं उसको एनईपी से हटाया जाए। यह करेंगे।